हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम पप्पू जी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मावा मलाई रोल। मावा मलाई रोल बनाना बहुत ही आसान है। घर में रखे कुछ ही इंग्रेडिएंट्स से आसानी से बन जाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी होती है मावा मलाई रोल और खाने में भी बहुत ही टेस्टी स्वीट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बारी है खोया बनाने की, यानी कि मावा। मावा बनाने के लिए मैंने 1 कप मिल्क पाउडर लिया है और उसमें 1.5 कप मिल्क ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को स्लो रख के अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। जब तक ये डो के फॉर्म में नहीं आता है तब तक इसको मिक्स करना है। मैंने मावा बनाने के लिए मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो दूध से भी मावा बना सकते हो। मिल्क पाउडर और दूध अच्छे से मिक्स हो गया है तो इसमें मैं 1 टीस्पून देसी घी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब बारी है चीनी की, तो चीनी मैंने 2 चम्मच डाली है। चीनी ज़्यादा नहीं लेनी है क्योंकि मिल्क पाउडर पहले से ही स्वीट होता है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके उसमें 1 कटोरी घर की फ्रेश मलाई डालकर अब यहाँ पर हमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करना है। ड्राई फ्रूट्स मैंने बारीक काट कर लिए हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और चलाते रहेंगे जब तक दूध मावा जैसा बन ना जाए। अब थोड़ी ही देर चलाने से हमारा मावा तैयार हो जाएगा। मलाई मावा रोल बनाने के लिए हमने मावा तैयार कर लिया है तो ऊपर से मैं इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड करूँगी। मावा बनकर तैयार है तो मैं इसको बाउल में निकाल लेती हूँ और साइड में रख देती हूँ। नेक्स्ट बारी है रबड़ी बनाने की। रबड़ी बनाने के लिए मैंने 3 कप दूध लिया है, जो घर में रेगुलर यूज़ होता है वो वाला दूध लिया है। उसमें से मैंने 2 से 3 चम्मच दूध 1 कप में रख लिया था। उसमें मैं 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ऐड कर रही हूँ। कस्टर्ड पाउडर मैंने वेनिला फ्लेवर का लिया है और 2 चम्मच मैं मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे और हमने जो दूध गर्म करने रखा है उसमें हम डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी ना रहनी चाहिए। दूध में मैंने 2 से 3 चम्मच चीनी ऐड की है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। अब मैं पेचुलर से अच्छी तरह से मिक्स करके ऊपर से 1 चुटकी केसर की डालूंगी। केसर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हो। और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करूंगी। ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू, बादाम और पिस्ता लिया है। आप अपनी मर्जी से कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो। टेस्ट के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह से उबालना है। तब तक दूध को उबालना है जब तक दूध ये रबड़ी जैसा ना बन जाए। दूध उबलकर रबड़ी जैसा बन गया है तो इसको मैं ठंडा होने के लिए साइड में रख देती हूँ। नेक्स्ट बारी है रोल बनाने की, तो मैंने रोल के लिए रेगुलर ब्रेड का उपयोग किया है। ब्रेड एकदम फ्रेश होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर ब्रेड की सारी बॉर्डर निकाल लूँगी। मैंने यहाँ पे 7 से 8 स्लाइस ली है, उसकी मैंने बॉर्डर निकाल दी है। इसको मैं सुखा के ब्रेड क्रश करके दूसरी कोई रेसिपी में इस्तेमाल कर लूँगी। अब बारी है ब्रेड रोल बनाने की। ब्रेड को अच्छी तरह से बेलन से बेल के पतली बना लेंगे। जो हमने पहले मावा तैयार किया था उसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके छोटे छोटे ब्रेड की साइज़ के रोल बना लेती हूँ। अब मैं इसको ब्रेड पर रख कर अच्छी तरह से प्रेस करके रोल बना लूँगी। इस तरह से मैंने सारे रोल बना के तैयार कर लिए हैं। अब जो मैंने रबड़ी तैयार की थी वो ठंडी हो चुकी है, तो रबड़ी को सारे रोल पर अच्छी तरह से डालेंगे। सारे रोल रबड़ी में अच्छी तरह से डिप होने चाहिए। इतनी रबड़ी को डालना है। ऊपर से 1 से 2 चुटकी केसर की छिड़कूंगी। यहाँ पर केसर छिड़कना ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। मुझे रबड़ी में केसर का टेस्ट अच्छा लगता है। अब ऊपर से बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। उसके बाद चेरी से गार्निश करके सर्व करूंगी। रोल के ऊपर रबड़ी डालकर फ्रिज में नहीं रखना है, इसे ऐसे ही सर्व करना है। फ्रिज
फ्रिज में रखने से रोल ड्राई हो जाते हैं। ये हमारे रसमलाई रोल बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, रसमलाई रोल की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।